फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, किसी भी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम उसका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, जिसमें हम उस पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी या तो वो फ्री फ्लोइंग होगा या तो वो कोहेसिव होगा। कोहेसिव का मतलब होता है जो पाउडर होते हैं उसके पार्टिकल्स आपस में स्टिकी नेचर के होंगे। सो मैनी कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आर एट्रीब्यूट्स टू द पाउडर फ्लो। जैसे हम अगर बल्क में पाउडर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस समय हम उसे हॉपर पर ट्रांसफ़र करना होता है, जिसमें हमें अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहेगी तो हमें ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होगा। सेम एज अगर हम टैबलेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हमें अन इवन पाउडर का फ्लो हुआ जिसकी वजह से उसमें एयर का इंटरप्शन हो रहा है, तो हमें कैपिंग और लेमिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और नेक्स्ट, अगर हमें अन इवन पाउडर फ्लो हो रहा है तो इंक्रीज द पार्टिकल फ्रिक्शन विद द डाई एंड वॉल, कॉजिंग द लुब्रिकेशन प्रॉब्लम एंड इंक्रीज द डस्ट कंटामिनेशन रिस्क ड्यूरिंग द पाउडर ट्रांसफ़र। सेकेंड है स्टोरेज। पाउडर की स्टोरेज में अगर हमें किसी छोटे कंटेनर पे पाउडर को ट्रांसफ़र करके उसकी स्टोरेज करना है और उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं होगी तो हमें स्टोरेज में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर फ्रॉम द बल्क स्पेसिफिक। जैसे अगर हमें कोई बल्क से किसी छोटे छोटे कंटेनर में, जैसे हमें डोजेस फॉर्म बनाना है टैबलेट में, तो अगर हमें उसमें ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसके डोज में वेरिएशन आ सकता है। डोज की जो वेट यूनिफॉर्मिटी होती है वो हो सकता है। अगर उसका फ्लो प्रॉपर्टी इक्वल नहीं रहा तो या तो वो अंडर डोज होगा या तो फिर उसमें ओवर डोजेस की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमें वायल फिलिंग करना है, वायल में हमें 5 mg लेना है, और अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं रही तो या तो वो कम होगा या तो वो ज़्यादा हो सकता है, जिससे उसके वेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो हम देखेंगे। तो जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट टू इवैल्यूएट द फ्लो एबिलिटी ऑफ द पाउडर, मेनली 3 टाइप के जो मेथड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, सेकंड है हाउसनर रेशियो एंड थर्ड है द एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम थीटा से शो करते हैं। सो फर्स्ट है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम कार्स इंडेक्स भी कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर इज फिल्ड इन टू द ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर एंड रिपीटेबली टैप्ड फ्रॉम ए नोन ड्यूरेशन। द वॉल्यूम ऑफ पाउडर आफ्टर टैपिंग इज मेजर्ड। हम एक ग्लास सिलेंडर में पाउडर लेते हैं, उसे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक टैप करते हैं, तो इसका जो रेशियो होता है कार्स इंडेक्स का वो होता है टैप डेंसिटी माइनस पोस्ट और बल्क डेंसिटी बाय टैप डेंसिटी इंटू 100। तो यहाँ जो बल्क डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हमें वेट बाय बल्क वॉल्यूम करना पड़ता है, और टैप डेंसिटी निकालने के लिए वेट बाय ट्रू वॉल्यूम करना पड़ता है। कार्स इंडेक्स को शो करने के लिए हमने एक टेबल का यूज़ करते हैं। वो टेबल है द रिलेशनशिप बिटवीन द पाउडर फ्लोएबिलिटी एंड परसेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जो परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है, जिससे हमें पाउडर का फ्लो कैसा है ये पता चलता है। व्हेन द परसेंट ऑफ पाउडर इज 5 to 15, देन इट शो द एक्सलेंट फ्लो ऑफ पाउडर। व्हेन द परसेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज 16 to 18, इट शो द गुड फ्लो ऑफ पाउडर। व्हेन द परसेंट कंप्रेसिबिलिटी इज 19 to 21, इट शो द फेयर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। व्हेन द परसेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज 22 to 35, इट शो द पुअर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। व्हेन द परसेंट कंप्रेसिबिलिटी इज 36 to 40, इट शो द वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। व्हेन द एक्सट्रीमली पुअर, इट शो द ग्रेटर देन 40% ऑफ परसेंट कंप्रेसिबिलिटी। सेकेंड मेथड है हाउसनर रेशियो। व्हेन द हाउसनर रेशियो आर डिटरमाइंड, इट्स यूज द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी एंड पोर्ड बल्क डेंसिटी। हाउसनर रेशियो वॉज रिलेटेड टू द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। वैन द वॉल्यूम इज लेस देन 1.25 इंडिकेट्स द गुड फ्लो ऑफ पाउडर, एंड वैन द पाउडर विद द फ्लो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन सजेस्ट कोर्स स्फीयर। वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 इंडिकेट्स पुअर फ्लो, मोर कोहेसिव, लेस फ्री फ्लोइंग पाउडर सच एज फ्लैक्स। व्हेन इट्स वैल्यू इज 1.25 एंड 1.5 एडेड ग्लाइडेंट नॉर्मली, दिस इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। ग्रेटर देन 1.5 एडेड ग्लाइडेंट डज नॉट इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर।
हाउसनर रेशियो जो हम यूज़ करते हैं इसमें हम टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के रेशियो को लेते हैं। जब इसका वैल्यू 1.25 होता है इसका मतलब होता है जो पाउडर का फ्लो है वो बहुत अच्छा है, और जब इसका फ्लो 1.5 के बीच में होता है, 1.5 से ज़्यादा होता है तो ये पुअर फ्लो को इंडिकेट्स करता है। जब इसका वैल्यू 1.25 से 1.5 के बीच में होता है तब हम ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं। ग्लाइडेंट ऐसे एडिटिव होते हैं जिससे हम पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम पाउडर जो रेशियो है 1.5 उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्लाइडेंट, तब जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है, उससे पार्टिकल के फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होती है। थर्ड मैटर है एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम थीटा से भी शो करते हैं। द सैंपल इज पोर्ड ऑन टू द हॉरिजेंटल सरफेस एंड द एंगल ऑफ द रिजल्टिंग पैरामिड इज मेजर। द यूजर नॉर्मली सेलेक्टेड द फनल ऑरिफाइस थ्रो विच इज द पाउडर फ्लो स्लोली एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटली। हम एक फनल लेते हैं, फनल से पाउडर को पास कराते हैं जिससे हमें वो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इस पिरामिड के स्ट्रक्चर को हम मेजर करते हैं, उसके बाद इससे हमें पता चलता है कि उसका फ्लो कैसा है। तो जो हमें एंगल ऑफ रिपोज निकला हुआ है, थीटा की वैल्यू निकली हुई है, जो हमें पिरामिड मिला हुआ था उस पिरामिड से हम हाइट और रेडियस निकाल लेते हैं। हाइट और रेडियस के जो रेशियो होता है जिससे हमें थीटा की वैल्यू निकलती है। तो व्हेन द एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 20 इट शो द एक्सेलेंट फ्लो ऑफ पाउडर, और व्हेन द एंगल ऑफ रिपोज इज बिटवीन 20-30 इट शोन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इज गुड, व्हेन द एंगल ऑफ रिपोज इज 30-40 इट शोन द पार्टिकल फ्लो प्रॉपर्टी इज पास, व्हेन द एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन 40 इट शो द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी पुअर। The rough and more irregular the surface of the particle, the higher will be the angle of repose. जब angle of repose की value 20 होती है तो इससे ये excellent flow show करता है। When the ये 20-30 के बीच में होती है तो इससे good flow होता है। जब ये angle of repose 30-40 के बीच में होता है तो ये passing होता है, और जब greater than 40 होता है तो very poor फ्लो शो करता है। अगर उसका जो सरफेस होता है पार्टिकल का वो रफ और इनरेगुलर होता है जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिपोज बनता है उसकी वैल्यू हाई आती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पार्टिकल्स के फ्लो प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं। इसमें मेनली 4 रीज़न होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है पार्टिकल का साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पार्टिकल का शेप और टेक्सचर। थर्ड है सरफेस फोर्स एंड फोर्थ है फ्लो एक्टिवेटर्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो किस प्रकार से पार्टिकल के फ्लो प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। यहाँ पर फैक्टर लिखे हुए हैं जैसे पार्टिकल का साइज हो गया, सेफ हो गया, सरफेस फोर्स है, और जो फॉर्मुलेशन एडिटिव है जिसे हम ग्लाइडेंट कहते हैं ये हमारे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है अल्ट्रेशन द पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज सर्टेन पार्टिकल साइज एट विच पाउडर्स फ्लो एबिलिटी इज ऑप्टिमम। कोर्स पार्टिकल इज मोर प्रिफर्ड देन द फाइन फोर्स एज दे आर लेस कोहेसिव। जो कोरस पार्टिकल्स होते हैं उसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू फाइन पार्टिकल के, क्योंकि ये जो कोरस पार्टिकल्स होते हैं वो लेस कोहेसिव होते हैं। द साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड टू इम्प्रूव द फ्लोएबिलिटी बाय रिमूविंग द पोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड बाय द इंक्रीज द पोर्शन ऑफ कोरस पार्टिकल्स सच एज ऑकर्स इन ग्रेनुलेशन। जब हम टैबलेट फॉर्मुलेशन करते हैं तब हम ग्रेन्यूल्स लेते हैं। ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम पहले उसे सीविंग मेथड से पास कराते हैं। सीविंग मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे उसमें फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करके जो कोरस पार्टिकल्स हो उनका यूज़ किया जा सके, जिससे हमें उस पार्टिकल के फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल शेप एंड स्ट्रक्चर। जैसे हमारे जो मोस्टली पार्टिकल जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर्ड के जो इनरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं उनके, क्योंकि जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली बिना इंटरलॉक किए वो फ्लो हो जाते हैं, जबकि जो इनरेगुलर शेप के होते हैं वो आपस में लॉक करते हैं, आपस में इनक्लोज्ड होते हैं और बाइंडिंग होके वो लम्प्स फॉर्मेशन कर जाते हैं।
जबकि स्फेरिकल शेप में ऐसा नहीं होता है। और इस टाइप के स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स बनाने के लिए स्प्रे ड्राइंग और टेम्परेचर साइक्लिंग क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। जो टेक्सचर होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है कि जैसे अगर किसी पार्टिकल का सरफेस है वो टेक्सचर जो है वो इनरेगुलर रहा, ठीक है, या रफ़ रहा, तो वो आपस में इंटरलॉक कर जाएंगे और कोहेसिव नेचर को शो करेंगे। लेकिन अगर हम टेक्सचर को चेंज कर दें, स्मूथ कर दें, स्फेरिकल कर दें, तो उससे स्मूथ सरफेस की वजह से वो पार्टिकल जो हैं वो इजिली फ्लो हो जाएंगे और हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है अल्टरेशन ऑफ सरफेस फोर्सेस। जो हमारे पार्टिकल्स के बाहर में जो फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस लगते हैं, अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो इससे पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड होता है अगर जैसे कोई पार्टिकल्स है उसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है, अगर हम उसे ड्राई करके उसकी फ्लो प्रॉपर्टी देखें तो एज़ कम्पेयर टू आफ्टर ड्राइंग उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड देन है अगर जैसे जो पार्टिकल है उसके जो सरफेस एरिया पे मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन है अगर उसे हम डिक्रीज कर दें जिससे उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी पोरोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पोरोसिटी क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में एयर का स्पेस होता है जहाँ एयर इंट्रैप्ट होता है, अगर हम उसे रिड्यूस कर दें तो उसकी पोरोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर किसी चीज़ की पोरोसिटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन आइटम से, सॉरी, वाटर के जो आइटम्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे उसमें मॉइस्चर आ जाता है। जब मॉइस्चर आ जाएगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हाइग्रोस्कोपिक पाउडर जो होते हैं उसे हमेशा हम टाइट एयर टाइट कंटेनर पे स्टोर करके रखते हैं ताकि उसमें ह्यूमिडिटी ना आ सके। लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ एडिटिव और फ्लो एक्टिवेटर्स। फ्लो एक्टिवेटर्स आर कॉमनली रिफर्ड एज अ ग्लाइडेंट। फ्लो एक्टिवेटर्स इम्प्रूव द फ्लो एबिलिटी ऑफ पाउडर्स बाय रिड्यूसिंग द एडिशन एंड कोहेसन। एग्जाम्पल है टाल्क, मैग्नीज स्टार्च एंड मैग्नीशियम स्टीरेट। मैंने पहले ही बताया था कि जो फॉर्मुलेशन जब हम पाउडर का करते रहते हैं उस टाइम हमें एडिटिव्स यूज़ करते हैं जिसे हम ग्लाइडेंट कहते हैं। ये ग्लाइडेंट जो होते हैं वो पार्टिकल के चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं जिससे वो आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाते और स्लिप होके उसकी फ्लो हो जाते हैं। इसके लिए एग्जांपल मैंने दिया हुआ है टाल्क का, मैग्नीज स्टार्च का और मैग्नीशियम स्टीरेट का। ये काम कैसे करते हैं, अगर ये इसके ऊपर लेयर कर लेते हैं तो इनके जो एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस लगने होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जिससे इनकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ डिराइव्ड प्रॉपर्टी है पाउडर की, जैसे पोरोसिटी है, पॉलीमॉर्फिज्म है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइनिटी है और सेप्ड है, डेंसिटी है, साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ पाउडर। ये कुछ सॉलिड स्टेट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है। थैंक यू।